तमाम जो ब्रीड हैं वो किस तरीके से, अगर हाइट देखे तो लेकिन कमर से ऊपर तक की हाइट है और इसको किसी को पकड़ नहीं के ला नहीं सकता है, इतना ताकतवर है ये। और देखिए इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट देखिए लगभग मेरी जितनी हाइट है उतना ही कुछ कम है, मगर ये इसको कहते हैं परी पैरोट, तोता पैरोट या जो भी है, क्योंकि इसका फेस जो है वो देखिए लगभग, और ये देखिए भाई मतलब हिस्ट पुष्ट है, ताकतवर है ये देखिए, थोड़ा से तो नखड़े हैं क्योंकि बाहुबली है तो थोड़ा नखड़ा होगा, मगर ये देखिए एकदम खूबसूरत ब्रीड है और लोग जो है इसे देखने भी आ रहे हैं। देखिए देसी के साथ साथ विदेशी नस्लें जो हैं वो मार्केट में उतरी है, मगर सितारों की कमी नहीं है, लोग भीड़ लगाकर देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो फिल्मी सितारे हैं वो आज राजधानी पटना में। खैर इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां की तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे ही, मगर हम बातचीत करने आए हैं बकरीद के मौके पर। देखिए बड़े बड़े नस्ल के आपको यहां पर तमाम जो बकरे हैं वो दिखाई दे रहे होंगे और सभी का वजन जो है वो लगभग 100 केजी से पार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहाँ पर जो इन तमाम ब्रीडों को छोटे यानी कि कम उम्र से ही पाल रहे हैं और तमाम ये जो ब्रीड हैं ये घर के पाले हुए हैं, यूँ कहिए कि तमाम जो सुविधाएं हैं इन्हें दी गई है। और देखिए किस तरीके से इनका फेस, पंच फेस जो है और पैरोट फेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। भाईजान क्या नाम हुआ और ये तमाम नस्लें जो है वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? हमारा नाम MS डेविस हुआ। हाँ। और अलशाद गोट फार्म का ओनर हुआ मैं। हाँ। और जिम भी हमारा चलता है बिहार में कई जगहों पर। अच्छा। और ये जो बकरा है यहीं पे मैं पालन करवा रहा हूँ और फार्मिंग का भी काम कर रहा हूँ। हाँ। और प्रमोट कर रहा हूँ अच्छे लार्ज ब्रीड के जितने भी नस्ल के जो बकरे हैं उसको, और मैंने दिखाया ऐसे ऐसे नस्ल के बकरे यहाँ पर भी तैयार किए जा सकते हैं। अब ये जो यूनिक दिख रहा है ये तोता परी, इसका पंच आप देखिए कितना अच्छा है, इसका बॉडी 125 केजी बॉडी वेट पर है, 125 केजी जी जी जी। और ये सोल्ड आउट हो चुका है, जो सोल्ड आउट भी मैंने जिनसे किया है उनको भी मैं आपसे मिलवाऊंगा। और ये वो कौन सा नस्ल का है? ये गुजरी है, ये भी घर का ही बच्चा था, ये लगभग 150 केजी का है और ये भी बहुत ज़बरदस्त। मेनली क्या होता है बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है और रख रखाव के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बच्चों में बहुत अच्छा बच्चा ग्रोथ नहीं होता है तो ऐसे ऐसे बच्चे चुन चुन कर खरीदना पड़ता है और उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फूड मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट और उसका रख रखाव मैनेजमेंट। इतना हिस्ट पुष्ट है, इतना बलवान दिख रहा है और ये कोई बकरा तो दिख नहीं रहा और एक आदमी को इसको पकड़ के इस ओर ला भी नहीं सकता है, क्या खिलाते थे? जिम का ओनर हूँ तो थोड़ा सा तो बॉडी बिल्डिंग बकरों पर भी डालना जरूरी होता है। एक्चुअली ये बकरे को जो भी हम लोग खिलाते थे कि होता क्या ना, कॉस्टली तो होता है इसका फीड। एक बकरा अगर 70 रुपये केजी खली भी मिल रहा है और उस बकरे को आप अगर 1 केजी खली दे रहे हैं सुबह शाम मिला कर कर करके, और अगर आप 40-42 रुपये किलो चुन्नी मिल रहा है, आपका मकई का दर्रा 35 रुपये लगभग है मार्केट में, मैं रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों का ये सब बकरा डोज लेता है और बहुत टाइमली इसको खिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग डिफरेंट खिलाते हैं, खिलाते वही हैं जो सारे लोग खिलाते हैं। ये एक पहला तो कि ये नस्ल का मामला रहता है, अच्छे ब्लड लाइन का बच्चा है, क्योंकि फिर ब्लड लाइन का मामला ही नहीं होता, ये एक ब्लड ही ऐसा है, ये लार्ज ब्रीड है तो इस ये भी उतना ही खाएगा और देसी नस्ल भी उतना ही खाएगा, लेकिन इसका साइज़ निकलेगा। फिर इसका साइज़ हम लोग धीरे धीरे डेवलप कराते हैं, इसके एक ऊपर एक फूड मैनेजमेंट करते हैं कि किस तरीके से इसका डोज बढ़ाया जाए तो ऐसा बकरा तैयार हो जाता है। और मैंने ये साबित किया कि यहाँ पर भी इस टाइप के बकरे को तैयार किया जा सकता है और किसी भी नस्ल के बकरे को किसी भी सराउंडिंग में पाला जा सकता है अगर उस पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो। आपने तो इतना बॉडी बना दिया, जैसे एक्सरसाइज भी करा दिया करते। हाँ, ये तो 150 केजी का बकरा है और हाँ एक्सरसाइज भी कराना पड़ता है, इसको टहलाना पड़ता है, इसके लिए जो भी इम्प्लॉइज होते हैं भाई, जानवर के लिए मैंने लास्ट ईयर भी बोला था बाइट्स में, जानवर के लिए जान वारना पड़ता है, अपने आप जानवर खड़ा नहीं होता, इतना बड़ा जानवर ऐसे नहीं तैयार होता, इसके लिए 4-4, 5-5 स्टाफ रहते हैं और इसको पॉलिशिंग होता है, इस पर मालिश चलता है इसका, तब जाकर के ये बकरे तैयार होते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और पिछले अगर 3-4 महीनों की बात करें तो इस गर्मी से कैसे बचाया? उसके लिए कुछ डाइट प्लान देते हैं हम लोग, जैसे तीसी की खली जो होती है वो बहुत इसको ठंडा रखता है, प्लस हम लोग दही खिलाते हैं, प्लस एक गुड़ का एक अपना काम है नेचुरल, वो बिल्कुल कंट्रोल करता है, ठंडे के दिन में वो बॉडी को गर्म रखता है और गर्मी के दिन में बॉडी को ठंडा रखता है। खिलाने का गुड़ का मैं सारे लोगों को ये बताता हूँ कि अगर रात भर गुड़ को रख दिया जाए और सुबह में उसको पानी रात भर भिंगो कर करके सुबह में दिया जाए तो वो बकरा ठंडा रहेगा, और तुरंत अगर गुड़ को डाला जाए और अगर उसको मिला करके खिलाए तो बॉडी गर्म रहती है, तो ठंडे के दिन में भी गुड़ चलता है,
तो ये सब मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, प्लस मक्का गंदुम ये सब लेवल खिलाया जाता है मिला करके, वांडा खिलाता हूं। देखिए क्योंकि स्ट्रेट खड़ा है और इसके पाँव को अगर देखें तो दोनों ही पाँव जो है एकदम स्ट्रेट एकदम प्रॉपर, क्योंकि इनका जिम भी है तो प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो बाखूबी ये जब खड़ा है तो दिख रहा है कि कितना एक्सरसाइज जो है और कितना वेल डिसिप्लिन तरीके से ये खड़ा है। खैर अब नाम की भी बात कर ली जाए क्योंकि तमाम फिल्मी सितारे तो आज पटना में है, इन लोगों का क्या नाम है इतना बॉडी शॉडी बना? इसका नाम है बाहू और उसका नाम है बली। अच्छा बाहू और बली अलग कर दिया? अलग इसलिए कि देखिए एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि वैक्सीन करने के लिए नाम का होना ज़रूरी होता है, तो बाहू बली दोनों क्योंकि साथ पलाया तो एक बाहू एंड बली, इसी तरीके से अफूर एंड शुकर, इसी तरीके से बुर्ज एंड खलीफा, मैंने दो दो बकरे को एक ही नाम से कंबाइन किया है, किसी का नाम बुर्ज है तो किसी का खलीफा। क्या रकम रखा है, क्या कीमत रखी? ये सोल्ड आउट हो चुका है, मुन्ना भाई हमारे हैं इन्होंने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह इनको जजाए खैर दे। ये बकरा 1,15,000 रुपये में बिका है, ये 92,000 में बिका है। ये 92,000 का है, ये 1,15,000, इतना पैसा लगा दिया बकरे में, क्या देख लिया? हमको अच्छा लगता है और मेरी शौक है। अच्छा हम इसी तरह खसी खरीदते ही हैं, हमको और कुछ नहीं, सिर्फ खसी का शौक ज़्यादा है। खसी ये कुर्बानी के लिए आपने? जी सिर्फ कुर्बानी के लिए, साल भर में साल खरीदते हर खरीदते साल इसी तरह खरीदते हैं। परसल खरीदा था सलमान खान और शाहरुख खान, सलमान खान और शाहरुख खान, अब खरीदा मैंने बाहुबली। बाहुबली अच्छा के ये जो नस्ल है आपको बहुत सारे और भी नस्ल हैं, आखिर इस नस्ल को क्यों आपने? हमको इस नस्ल में ही अच्छा लगता है, देसला तो है ही है, देसला भी लिए हैं मगर हमको इस नस्ल ही लगता कि लगे कि हम अपने तरह हैं, उसी तरह इसको भी लेते हैं, उसी में सूट करता है ये खस्सी, सूट करता है बस यही है। टोटल कितने खस्सी आपने ले लिए? हमने लिए हैं अभी 6-9 ले चुके हैं। 9 ले इस बार? 9 नहीं हम लेते ही हैं, 12-9 लेते ही हैं, अभी एक दो और देख नज़र मार रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो जो जिस कुर्बानी का है जो अच्छा लगे। सब इसी कीमत में? सब इसी तरह, सब मेरे ज़्यादातर यही खस्सी। तमाम जो ब्रीड हैं वो किस तरीके से अगर हाइट देखे तो लेकिन कमर से ऊपर तक की हाइट है और इसको किसी को पकड़ नहीं के ला नहीं सकता है, इतना ताकतवर है ये। ठीक है तो आप देख सकते हैं इन तमाम जो ब्रीड्स को किस तरीके से पाला गया है और इन्होंने इन तमाम ब्रीड्स को ख़रीदा है और हर साल ख़रीदते हैं। पिछले बार सलमान शाहरुख खरीदे थे, इस बार बाहुबली को ख़रीदा है और देखिए इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट देखिए लगभग मेरी जितनी हाइट है उतना ही कुछ कम है, मगर ये इसको कहते हैं परी पैरोट, तोता पैरोट या जो भी है, क्योंकि इसका फेस जो है वो देखिए लगभग, और ये देखिए भाई मतलब हिस्ट पुस्ट है, ताकतवर है। अकेले खींच लेते हैं क्या? हाँ हाँ खिंचाता नहीं मैं, हल्का हल्का पीछे से मरमर के लोग ले जाते हैं, आगे तक नहीं, अकेले तो नहीं जाएगा, अकेले तो हो ही नहीं सकता है, ये तो दो आदमी को खींच लेगा। अच्छा ये ब्रीड देखिए, ये देखिए थोड़ा से तो नखड़े हैं क्योंकि बाहुबली है तो थोड़ा नखड़ा होगा, मगर ये देखिए एकदम खूबसूरत ब्रीड है और लोग जो है इसे देखने भी आ रहे हैं। अच्छा अब अपना नामकरण करेंगे इसके लिए? मेरा नाम ऐसे लोग, मेरा ओरिजिनल नाम इलियास अख्तर है और मैं ऐसे पुकारू नाम मुन्ना से जानते हैं सब। अच्छा, मुन्ना भाई अब आपने खरीद लिया है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आपका सामान हो गया, तो अब अपना नामकरण कुछ रखेंगे इसके लिए, कोई नाम नहीं वही बाहुबली अपना रहेगा, जो अपने नाम से कुर्बानी करेंगे तब उस टाइम नाम। और इसका क्या नाम रखा? अभी इसका नाम रखा बाहुबली ही, अभी है मार्केट में बाहुबली चले गए, तीनों बाहुबली। हाँ क्या करें, हमको यही अच्छा लग रहा है, सब बाहुबली पे ले रहे हैं, सब बाहुबली नाम सुनी के ले ले। बस बस हमको अच्छी लग रही, बड़े बड़े खस्सी हैं, हम इसी तरह करते हैं, हमको अच्छा लगा ले लिया। खैर तो आपने देखा बाहुबली की दस्तक हो चुकी है और बाहुबली को खरीद लिया है मुन्ना भाई ने। खैर इस वीडियो में इतना ही, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।